एवरीवन व्हाट इज अप, वेलकम बैक विद अंदर वीडियो। मैं हूं करण वाला एक्स भाई और भाई आज का वीडियो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो भाई आज का वीडियो में आप लोग रिव्यू करने वाले हीरो का जूम जो कि नया लॉन्च हुआ है। तो भाई देख सकते हो आज का स्कूटी। बेसिकली हम लोगों ने डिलीवरी आप लोगों ने डिलीवरी वाला ब्लॉग देखा होगा, लेकिन आज मैंने सोचा कि डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ, 0 to 100 सब कुछ बनाता हूँ। सो भाई कलर का बात कर लेते हैं। तो इस बाइक में सिर्फ 3 ही वेरियंट मिलता है जो कि आप लोग देख सकते हैं। एक है व्हाइट, एक ब्लैक और एक और है रेड टाइप है शायद, मेरे को जितना तक पता है रेड ही देता है कंपनी। सो बेसिकली पीछे भी आपको ड्रम ही ब्रेक्स मिलता है और फ्रंट में भी आपको ड्रम ही ब्रेक्स मिलेगा। तो भाई इसमें वैसा कोई फीचर नहीं है ABS टाइप या कुछ भी है, बेसिकली नॉर्मल स्कूटी है जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। और भाई बात कर लेते हैं इसका यहाँ पर। तो भाई स्टोरेज दिया हुआ है काफी, आपको पानी का बोतल वोतल रख सकते हैं। और भाई नीचे आप लोगों को एक सीक्रेट फीचर दिखा देता हूँ। भाई यहाँ पर है आपका बाइक का चार्ज कर सकते हैं, बेसिकली अगर आपका पोर्ट है USB टाइप तो आप चार्ज कर सकते हैं। सो गाइस वी आर ऑल सेट और भाई अभी लेके निकलते हैं स्कूटी को। भाई इसमें i3 सिस्टम है जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। पावर वाइज मेरे को थोड़ा सा लैगिंग लगा, हाँ सही है। और भाई इसमें थोड़ा सा व्हीली देखते हैं होता है या नहीं व्हीली तो नहीं लगी है जूम। अब इसका टॉप स्पीड चेक करते हैं भाई, आई होप आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगेगा। सो चलो चलते हैं, ज़्यादा वीडियोस पे लंबा ना करके बेसिकली 110cc में कितना पावर निकालता है ये आप लोगों को आज दिखाता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ। भाई बहुत लोग यूट्यूब पे दिखाते हैं लेकिन आज 3, 2, 1 करके जाएंगे। 3, 2, 1 इनिशियल इसका सही है, 0 to 100 58, 63, 66, 70, 75, 80, 84, 85, 86, 87 बेइज्जती मत करा यार चल। 86, 87, 88 भाई 88 में ये कंप्लीट हो गया 89 तक। इनिशियल इसका इतना अच्छा कुछ खास नहीं है यार, 88 में ये रुक गया अब स्कूटी, आप लोग जैसे कि देख ही सकते हो 88। और एक बार करते हैं, देखते हैं कैसा हो रहा है, फिर से 0 to 100 करते हैं। इसका टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं कितना है, 88 गया, अभी फिर से 74। आई होप आप लोगों को मीटर दिख रहा होगा, रोड भी इतना सही नहीं है ना इसमें, 84 तक ही जा रहा है, पता नहीं क्यों लैग कर रहा है इसका पावर, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है इसका पावर। तो और एक स्टेज करते हैं, देखते हैं हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो फिर घूम जाएंगे। एटी नाइन के बाद जा ही नहीं रहा है पता नहीं क्यों, 89 के बाद पूरा स्पीड इसका रुक जा रहा है, व्हाट इज द रीजन आई डोंट नो। बट तो जैसे कि देख ही सकते हो 89 से ऊपर ये खींच नहीं पा रहा है 110cc में। अगर पिकअप चाहिए तो 89 से ऊपर नहीं जा रहा है, अगर आप धीरे धीरे 1.534 किलोमीटर अगर जाना है तो शायद इससे ज़्यादा बढ़ सकता है। मेरे को जितना तक लग रहा है 100 टच नहीं कर पाएगा। रियल लाइफ डेमो एक्सपीरियंस है आप लोगों के सामने, आप लोग अगर देख के जज करना है तो आप कर सकते हैं 110cc में कौन सा स्कूटी बढ़िया रहेगा। और एक बार कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। और भाई मैं थोड़ा सा मैं लीन हो गया, झुक गया मैं,